Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. कल विराट कोहली एक बार फिर शून्य बटे सन्नाटा रहे। बड़े खिलाड़ी हैं, डक से शतक का सफर भी जल्द तय कर लेंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा उठता है कि ये शब्द डक कहाँ से आया। तो चलिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं कि ये डक शब्द का इजाद कहाँ से हुआ। इस स्टोरी में हम जानेंगे कई कहानियाँ जो इससे जुड़ी है। इसके पीछे अनोखी दास्तान है। गुजरे जमाने में क्रिकेटर्स बतख यानी डक का मीट खाने से परहेज करते थे। परहेज ही क्या, एक तरफ से तौबा करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे न सिर्फ सेहत खराब होती थी बल्कि डक का मीट खाने वाले बल्लेबाज डक यानी शून्य पर आउट हो सकता था। ये बात तब की है जब वनडे क्रिकेट तक का वजूद नहीं था। तब भी क्रिकेटर्स में जुनून ऐसा ही था जैसे अब है। ये तो थी डक से जुड़ी पहली कहानी। दूसरी कहानी शुरू होती है साल 1982 से। अगस्त 1982 में इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटर्स ने मैच से पहले बतख खाने को अंधविश्वास करार दिया था। विरोध करने वालों में उस वक्त के इंग्लिश टीम के कप्तान डेविड गावर, एलन लैम और रॉबिन जैकमैन शामिल थे। 12 अगस्त 1982 को लॉर्ड्स पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ। डेविड गावर, एलन लैम और रॉबिन जैकमैन ने टेस्ट मैच के तीसरे दिन पूर्व संध्या पर बतख का मीट खाया। अगले दिन सुबह इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करनी थी। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 428 रन बनाकर पारी घोषित की। पहली पारी में इंग्लैंड के कप्तान डेविड गावर बल्लेबाजी करने आए तो वो 29 रन बनाकर आउट हुए। उसके अलावा एलन लैम ने 33 रनों की पारी खेली। वहीं जब रॉबिन जैकमैन बल्लेबाजी करने आए तो वो कप्तान इमरान खान की गेंद पर डक पर आउट हो गए। लॉर्ड्स पर खेले गए इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 227 रन बना सकी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड का पहला विकेट 9 रन पर गिर गया। उसके बाद एलन लैम बल्लेबाजी करने आए। एलन लैम महज एक गेंद का सामना कर पाए। मुदस्सर नजर ने उन्हें दूसरी गेंद पर डक पर आउट कर दिया। इसके बाद डेविड गावर आए और वो भी मुदस्सर नजर की गेंद पर डक पर चलते बने। ये एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें इंग्लैंड के यानी डक का मीट खाने और डक पर आउट होने की बात सच साबित हो गई। वैसे बताते चलते हैं कि पाकिस्तान ने इस मैच में इंग्लैंड को 10 विकेट से शिकस्त दी थी। अगर सबसे पुरानी कहानी की बात करें तो इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। 17 जुलाई 1866 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बिना कोई रन बनाए आउट होकर पेविलियन लौटे तो एक अखबार ने अगले दिन शीर्षक दिया कि प्रिंस बतख के अंडे पर बैठकर पेविलियन लौटे। इसके पीछे वजह यही थी कि शून्य का आकार बतख के अंडे के जैसा था। इसके बाद से शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों के लिए डक का इस्तेमाल किया जाने लगा। कहानी कुछ भी हो लेकिन इससे क्रिकेट वर्ल्ड को एक नया शब्द जरूर मिला था और बल्लेबाजों को एक नया नाम। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से कौन सी कहानी से आपको लगता है डक शब्द का इजाद हुआ होगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।